प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, मैं हूं काविश अजीज और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी आरक्षण घोटाले को लेकर पिछले 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे। 29 जून 2021 से इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया था और आज 23 दिसंबर है। आज का दिन इन लोगों के लिए वरदान है, आज का दिन इन लोगों के लिए जश्न है। दरअसल आज ये लोग सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इस फैसले के बाद ये अभ्यर्थी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। आप लोगों को बता दूं कि लंबे समय से ये लोग खुले आसमान के नीचे प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ के इको गार्डन में। इन्होंने गर्मी झेली, इन्होंने बारिश देखी, इन्होंने ठंड का मौसम गुजारा। पिछले 8-10 दिन से ये अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर थे। इनमें कई साथियों की तबीयत खराब हुई, जब उसके बाद वो लोग बंधु अस्पताल में एडमिट हुए और आज जब ये फैसला आया है तो इको गार्डन में ये लोग जश्न मना रहे हैं। लड़े और जीते। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस संघर्ष में साथ थे और यहाँ पर अगर नहीं है और देख रहे हैं मुझे, तो उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमारा साथ दिया और मैंने वादा किया था कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको जीत दिलाएंगे और मैंने अपना वादा पूरा किया। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा, और जितना हमने संघर्ष किया था वो संघर्ष हमारा रंग लाया और जिन लोगों ने भी हम लोगों का साथ दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद और हम लड़े और हम जीते। सभी को बहुत 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 बधाई। आज हम लोग बहुत रोए, सब गले मिल मिल के रोए और सबको एक दूसरे को प्यार से हम लोगों ने गले लगाया और जो आँख में आंसू थे, आज ये 6 महीने में पहली बार ऐसा था कि हम लोग रो भी रहे थे, हंस भी रहे थे और ये जीवन में मेरी पहली बार हुआ है कि ये आंसू खुशी से मेरे आँख से। तो आप सबको भी ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग भी हमारे जश्न का, जीत का हिस्सा हैं। सब लोग मिलके इस जीत को मनाएंगे। साथियों नमस्कार, हम लोग की मुलाकात आज 6 बजे जैसे कि परसों की प्रस्तावित थी, हम लोग इसको कॉन्फिडेंशियल रखे हुए थे कि आपकी मुलाकात परसों 6 बजे मुख्यमंत्री जी से होगी और उसके बाद ही इसका ऑफिशियल घोषणा की जाएगी। जैसे कि हम लोग की मुलाकात 6 बजे मुख्यमंत्री जी से हुआ तो उन्होंने हमारे मामले का संज्ञान लिया और तुरंत अधिकारियों को निर्देशित किया कि हमने 4 महीने पहले कहा था इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने के लिए, तुम लोगों ने न्याय क्यों नहीं किया, न्याय क्यों नहीं किया। इसके बाद तुरंत आदेश दिया है कि अधिकारियों को कहा गया है कि तुरंत के तुरंत इनकी समस्याओं का जो भी समाधान हो सकता हो तुरंत समाधान किया जाए और जल्द से जल्द इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। हमें पूरा विश्वास था अपने संघर्ष पे, अपने संविधान पे, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, अपने संविधान में विश्वास था कि एक न एक दिन हमें जीत जरूर मिलेगी। वो दिन आज का है, हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हमें अपने संघर्ष का फल, हमें अपना अधिकार मिला है। जय हिंद। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।